मामला मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की चौकी करनपुर का है। आज सुबह के समय ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड करनपुर चौकी पर केसर सिंह ने चौकी स्टाफ के इशारे पर खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, तो खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार से खनन माफिया ने केसर सिंह के ही ऊपर चढ़ा दिया। केसर सिंह की कुचलकर दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर खड़ी पुलिस चौकी स्टाफ में खलबली मच गई। मौके से भाग रहे खनन माफियों को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं जब मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि केसर सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई, मौत की खबर सुनकर परिवार वालों में कोहराम मच गया और परिजन अनफनन में मौके पर पहुंच गए और अलीगंज मार्ग दलपतपुर काशीपुर रोड पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजन एक नौकरी व मुआवजे की मांग करने लगे, जिससे काशीपुर रोड पर 2 घंटे जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन CEO राजेश कुमार और कोतवाल अजय कुमार गौतम ने गुस्साए परिजनों को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर परिजन रोड से हटे और पुलिस ने जाम को खुलवाया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब भी हम खनन की शिकायत पुलिस चौकी या थाने में करते हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता था कि इसकी शिकायत खनन इंस्पेक्टर से करो, जिससे खनन को बढ़ावा मिलता गया और आज खनन माफियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड केसर सिंह को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह। अच्छा भाई, ये जो मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट में, क्या कुछ मामला है? ये लगभग 12 बजे से ऑन ड्यूटी करनपुर चौकी पर कर रहे थे और ये रेता भरा ट्रैक्टर आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसने ना रोकते हुए इनके ऊपर चढ़ा दिया और मौके पर मृत्यु हो गई। कौन है आपके? मेरे भाई हैं। क्या नाम है उनका? केसरी सिंह ओमघाट। कौन से गाँव में? बेरखेड़ा चक थाना भगतपुर टांडा। आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि इनके परिवार को मृतक आश्रित में एक नौकरी मिल जाए और जो क्लेम है, क्लेम मिलता हो विधि नियम के तहत 5 लाख रुपए बताया वो मिल जाए और DM साहब द्वारा जो 5 लाख मृतक आश्रित के लिए बच्चों के लिए जो होता है राजस्व विभाग से, वो इनको मदद मिल जाए, जिससे कि बची परिवार के बच्चों का पालन पोषण हो सके। यहाँ एक ट्रैक्टर जो जा रहा था, जिसको हमारा होमगार्ड जो था वो रोकने की कोशिश करी, ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे घायल हो गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रैक्टर और जो ट्रैक्टर चालक को कब्जे में ले लिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स और जो सब हैं डिपार्टमेंटल, उसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जिससे परिवार को जो राहत मिल सके वो मिल जाए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये सब जो भी आरोप हैं या जो भी साक्ष्य हैं हम लोग उसको सम्मिलित करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। चलो, जो ट्रैक्टर चालक था सर गिरफ्तार हुआ? हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रैक्टर को अभी कब्जे में ले लिया गया है। क्या मुकदमा पंजीकृत अभी तक हुआ है? नहीं, मुकदमा तहरीर ये लोग दे रहे हैं इनके परिवार के, हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करें।